हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, अभी तक मैं तीन क्वेश्चन पेपर्स के जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन जो पेपर जो हमारे पास स्टैंडर्ड का है, ठीक है, और कोड देख लीजिए बेटा क्या है, 323 कोड है, कोड नंबर आपका है। ओके, अब इसमें बेटा क्या करेंगे, वन बाय वन इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इसमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब बेटा देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है देखो स्क्रीन पे, ये जो क्वेश्चन वन है आपका, ये है चैप्टर नंबर वन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। किस पे बेस्ड? चैप्टर नंबर वन पे बेस्ड, जिसमें आपको पता है रियल नंबर्स की हम बात करते हैं। और ये बोला गया, इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विथ डिजिट जीरो। तो कह रहा है कि अगर एन जो है एक नेचुरल नंबर है, यानी कि जो पावर है इनकी वन से लेकर इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा इन सब में से नंबर है जिसके एंड में जीरो आएगा। देखो बेटा, एंड में जीरो तभी आएगा जब किसी पार्टिकुलर नंबर के जो फैक्टर्स होंगे टू हो और फाइव हो। टू फाइव से कितना होता है बेटा, टेन होता है। ओके, अब इसकी पावर आप कुछ भी कर लो, लास्ट पे जीरो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन टू देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन मेंशन है। इन अ लॉटरी देयर आर फाइव प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स। टोटल बेटा हमारे पास क्या 25 है, जिसमें से 5 में प्राइज निकलेगा और 20 ब्लैंक निकलेंगे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइज के आने की? तो ऑब्वियसली बात है बेटा, 5 आउट ऑफ 25 होगा ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1/5। अब देख लो बेटा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चले आगे बढ़े, दैट्स गुड। अब जैसे बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसमें है क्या ना बेटा, देखो यहाँ पर x का कोफिशियंट, यहाँ पर y का कोफिशियंट, और यहाँ पर y का कोफिशियंट, यहाँ पर x का कोफिशियंट, दोनों सेम है। हमें निकालना है कि बेटा x माइनस वाई निकालना है। तो एक काम क्यों नहीं करते, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दे तो हमारा x माइनस वाई आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 25 में से अगर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 को मैं माइनस कर दूं, तो आप देखेंगे बेटा 3x माइनस 2x होगा x, और यहां पर होगा माइनस का वाई होगा। 25 माइनस 15 कितना होगा, 10 होगा। तो देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो यानी कि x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी डेट विल बी 10, और ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। डन, दैट्स इट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर एंगल जो ए है हमारा वो सी के बराबर, एंगल ए जो हमारा सी के बराबर, वेरी गुड। ए बी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पी हमें गिवन है ए पी 12 सेंटीमीटर, सी पी हमारा 4 सेंटीमीटर है, हमें सी डी निकालना है, वेर सी डी ये निकालना है। अब एक काम करो बेटा, आपको पता है ये वाला जो एंगल हमारा 1 है और ये वाला जो एंगल हमारा 2, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल जो हमारा 4 है, ये भी आपस में इक्वल, वर्टिकल अपोज एंगल्स। तो क्या लिखेंगे, देयरफोर By angle angle similarity, जो ट्राइंगल हमारा होगा ABP वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CDP के। क्लियर नॉट? अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होगा बेटा, आपस में इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे बेटा AB upon में CD should be equals to क्या चाहिए हमें, BP upon में DP कर दो बेटा, BP अपॉन में DP होगा, लेकिन बेटा हमें CD चाहिए ना, तो ये ठीक है, सही है। BP अपॉन में DP तो बेटा हमें पता ही नहीं है, तो एक काम करो उसके इक्वल हम ले देते हैं AP अपॉन में CP हो जाएगा ना। अब AB कितना है बेटा आपके पास, 6 है, CD हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये तो पता है हमें AP, AP कितना बेटा 12 सेंटीमीटर है, और CP कितना देखा बेटा 4 सेंटीमीटर, 4 3 12, यहां से CD हमारा आ जाएगा 6/3, दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। CD की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है यहां पर बेटा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो, दैट्स गुड। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल आर गिवन अस। आपको बता रहे बेटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस का जो सम है, देखो बेटा बात समझो ध्यान से, आपको पता है जब भी हम जनरल फॉर्म निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा होता है।
ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो यहां पर अगर इसको कंपेयर करें बेटा इस वाली इक्वेशन, इस वाले पॉलीनोमियल के साथ, तो यहां पर क्या होगा, पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लेके आते हैं बेटा, इस फॉर्म लिखा जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 17 अपॉन में रूट टू कर दो बेटा, डिवाइड कर दो उसको रूट टू से, कर दिया हमने डिवाइड रूट टू से, तो क्या मिलेगा हमें यहां से देखो, एक्स वाला पार्ट तो है ही नहीं बेटा यहाँ पर, तो एक्स वाला पार्ट इसका अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो जीरो के बराबर है, समझ रहे बात को, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। या फिर दूसरे तरीके से करना, दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसको, रूट टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप 17 कर देंगे बेटा, तो ऐसे एक्स की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 17 अपॉन में रूट टू प्लस माइनस रूट में चल जाएगा बेटा, दो वैल्यूज आएंगे ये। अब सम करेंगे इसको तो क्या होगा बेटा, एक बार आपको प्लस का लेना पड़ेगा रूट, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा आपको ये, तो क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा, तो सम जीरो आएगा ना इसके बेटा, ठीक है, दैट्स गुड। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। बट एक और तरीके से कर सकते हो, उसको माइनस बी अपॉन में ए वाले तरीके से भी कर सकते हैं, पता नहीं बट आपको, अगर आप जो अल्फा प्लस बीटा लेके भी करेंगे इसको तब भी हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी अपॉन में ए के बराबर आना चाहिए, बी यहां पर है ही नहीं, ए आपका रूट टू तो हो गया ना जीरो, समझे, तो ये दो ही तरीके हैं, अलग अलग तरीके आपके पास। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिक्स क्वेश्चन, इसमें बोला गया है इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, कोन के बेस का एरिया, कोन कैसा होता है बेटा, इस तरीके से होता है, इसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर शेप में होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब जब मुझे इसके बेस का एरिया गिवन है, मतलब हमें पाई आर स्क्वायर गिवन है ना, बेस तो सर्कुलर शेप में है, गुड, और वॉल्यूम इतनी दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें ऑलरेडी मेंशन कितने 85। ओके हमें क्या निकालनी, हाइट निकालनी है बड़ा, बहुत सिंपल है। देखो आपको जब पता है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये है, तो क्या पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू को आप यहाँ नहीं पुट कर सकते, देखो इजी हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं 51 पुट कर सकता हूँ, देखो इंटू में एच इक्वल टू में 85 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, यहाँ से एच कितना आ जाएगा बेटा, तो 85 है ना, 85 डिवाइड बाय 17, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर, हो गया इजी। ओके तो इसमें बेटा ये मत करना, पहले रेडियस निकाल रहे हो फिर जाकर के फॉर्मूले पुट करो फिर सॉल्व करो, टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू का ना, आपने डायरेक्टली जिस जो क्राइटेरिया हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इसमें बोला गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस दे रखी 14 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल दे रखा इतना, ठीक है। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है बेटा, सर्कल का 1/4 होता है, ये हमारा सेक्टर, ठीक है। एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 रहेगी, हमें क्या निकाले, आर्क की लेंथ निकालने, तो बट आपको पता है ये हो जाएगा क्या तो होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर होता है लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का फॉर्मूला, थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 लिखा आपने, ठीक है, और पाई की जगह पे आएगा 22/7 और आर कितना देगा, 14 दे रखा आपको, 7 2s are 14, 2 से ये कैंसिल हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ, तो कितना आएगा बेटा 22 सेंटीमीटर आ रहा है, देखना ऑप्शन में है 22 सेंटीमीटर है ना, देखो पहले ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, डन। चलिए बेटा आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जो हमें कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, हाँ जी बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी चल रहा है आज के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 7 में से, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी हुज 3 वर्टिसेस आर गिवन टू अस। देखो हमें क्या गिवन बेटा, एक रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, जिसके हमें जो है चारों चारों वर्टेक्स हमें मेंशन है, हम ए की वर्टेक्स निकाले इसको हम एक्स कोमा वाई मान लेते हैं बेटा, और बी हमें पता है कितना दे रखा है, 0.0 दे रखा है, ठीक है, और सी हमें दे रखा है 3.0 और डी हमें दे रखा है 0.4 दे रखा है। अगर हम बच्चे ये ना, अगर हम ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो आपको पता है डायगोनल्स जो होते हैं हमारे किसके, रेक्टेंगल के या पैरेलोग्राम के, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहां से पहले बेटा हम इसके ना इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं ओ पॉइंट के, आपको पता है यहां से ओ पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कैसे लेंगे, 0 प्लस सेक्शन फॉर्म रहेगा ना बेटा, ये उसके पॉइंट रहेंगे 0 और कॉमा में 4 प्लस 0 अपॉन में 2, यानी कि 2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएंगे, ठीक है।
अब क्या हम ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते बेटा? निकाल सकते हैं। देखो अगर मुझे पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कितने, 0, 2 है, तो यहाँ से करना क्या आपने, बस एक्स प्लस 3 अपॉन में 2 को 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस की 3 आ जाएगी, ठीक है। और सेम बेटा आप ये करेंगे, वाई प्लस 0 अपॉन में 2 शुड बी इक्वल्स टू 2, तो वाई कितना देगा बेटा, 4 रहेगा। यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, माइनस 3 है। वो चेक करो बेटा क्या था आपका, 3, 0 था ना, तो एक्स प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है। तो बेटा इसका ऑप्शन होना चाहिए आपका, तो माइनस 3, 4 होना चाहिए। तो आई थिंक इसमें कुछ एरर है बेटा, ये होगा आपका माइनस 3, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बेटा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते दोबारा, और देखिए बेटा अगर हमें पता है 0, 4 है और ये हमारे क्या देखा, भी 0, 0, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा एक्स, ठीक है, और ये हमारा वाई 4 ही आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम वाई को 2 लेते हैं तो बेटा ठीक है, तो वाई की वैल्यू तो 4 ही आएगी, ठीक है। एक्स का क्या आएगा, एक्स प्लस 3 बराबर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0, हाँ बेटा सी है, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, माइनस 3, 4 आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन ये होगा माइनस 3, 4, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे बेटा, फिर मुझे बताएंगे आप कहीं मिस्टेक तो नहीं है, ओके, ठीक है बच्चे। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस ऑप्शन इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पर बेटा क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्या बोला गया आपको, 9th क्वेश्चन देखिए एक बार। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइन दिस विद द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज, देखो क्या कह रहा है बेटा, अगर मेरे पास क्या बोला गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। कह रहा हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है इस लाइन का विद द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस मतलब इनके साथ, यानी कि ये हमें दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा देखा जाए, ये एक्स को कर रहा है ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट, यानी कि ये 1, 0 होगा, और वाई को कर रहा है बेटा 0, b पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इसके एरिया निकालना चाहें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, देखो क्योंकि आपको पता है बेटा, अगर हम x जहाँ पर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x पे तो उसका बड़ा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 तो हमारे पास y कितना जाएगा, b आ जाएगा, तो उसका बड़ा एरिया बन जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस यहाँ पर क्या बेटा a है और हाइट कितनी b है, तो ये आएगा ए बी अपॉन में 2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो करेक्ट होगा, डन, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा गिवन है, ये है आपका उसमें से रिलेटेड सर्कल में से, इसमें बोला कि एक आवर हैंड हमारे पास है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 720 टू 755। 755 से बेटा और 20 के बीच में जो गैप आता है वो आता है 35 मिनट्स का गैप आता है, ठीक है। तो बताना है कि वो कितने डिग्री का एंगल स्वाइप अप करेगा, ठीक है, बात करते हैं बेटा। आपको बता रहा 12 घंटे में वो 360 डिग्री स्वाइप अप करेगा, एक घंटे में कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड करते हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया 60 मिनट में वो 30 डिग्री स्वाइप अप कर रहा है, तो उसका मतलब 35 में कितना होगा बेटा, वो 35 में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा और 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा आपका, 35 अपॉन में 2 डिग्री आएगा, ठीक है। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, समझ में बात आ रही बेटा, गुड। अब जैसे कि बेटा ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहले इसको हम इरेज करते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम से। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा है, द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस आर गिवन बाय, तो आपको क्या करना बेटा, इसके जीरोस निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता स्प्लिटिंग द मिडिलम कर देते हैं इसको, ये आपका 3x + x + 3, एक्स कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3 हो गया आपका, ये यहाँ से आप 1 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो उसका मतलब जीरो हमारे आ जाएंगे यहाँ से, मतलब फैक्टर ही आ जाएंगे बेटा आपके, जीरो तो जाएगा माइनस का 3, एक हो जाएगा माइनस का 1, देख लो बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा स्क्रीन पे, ये आपका ट्राइंगल चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं। ये कह रहा है इन अ गिवन फिगर ए बी लाइन, अगर जो पी क्यू के पैरेलल, ए बी लाइन जो हमारी है वो पी क्यू के पैरेलल है, और दे रखा बेटा ए बी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर,
और पी क्यू हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ओ बी भी हमें पता है बेटा 3 सेंटीमीटर, हमें निकालना है कि ओ पी निकालना है जी। अच्छा जी ये देखो बेटा एक बात सुनो, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल हमारा है 1 और ये वाला जो एंगल हमारा है 2, ये आपस में इक्वल होगा अल्टरनेटरी एंगल्स, और ये वाला जो एंगल हमारा 3 है और ये वाला एंगल जो हमारा 4, ये भी आपस में इक्वल होगा और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा वर्टिकल प्लस एंगल्स। तो देखा जाए तो ट्राइंगल जो हमारा है ए बी सी ए बी ओ वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके क्यू पी ओ के, कैसे ए हमारा इसके बराबर है क्यू के बराबर पी बी के बराबर, ठीक है हो गया सिमिलर। अगर सिमिलर तो इनके साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि लिखेंगे हम ए बी अपॉन में जो क्यू पी है हमारा, ठीक है ये बेटा ना ओ है क्यू पी, ठीक है वो किसके बराबर है बी ओ यानी कि ओ बी अपॉन में ओ पी के बराबर हो सकता है। ए बी कितना बेटा आपका 6 सेंटीमीटर, क्यू पी कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर, ओ बी हमें दे रखा 3, हमें ओ पी निकालना है तो देखो बेटा 3 यानी कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ओ पी इज इक्वल्स टू 3/3 यानी कि 1 सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक है चेक करना आंसर यही है। देखो ऑप्शन कौन सा है हमारा डी है, 12th क्वेश्चन है, हाँ 12th क्वेश्चन क्या है डी ऑप्शन करेक्ट है, डन। चलो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 हमारा है, इसमें क्या बोला गया है इन अ गिवन फिगर क्वाड्रेटर हमें दे रखे पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइबर सर्कल, तो बताना है कि बेटा पी ए प्लस जो सी एस हमारा है वो किसके बराबर आएगा, पी ए प्लस सी ए। देखो बेटा पी ए आपका ये रहा सी एस आपका ये रहा, तो आपको पता है बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंस ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि सी एस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे किसके बराबर डी एस के बराबर, और पी ए जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पी डी के बराबर, पी ए शुड बी इक्वल्स टू पी डी। अगर हम इनको ऐड करते हैं सी एस और पी ए को तो हमें मिलता है डी एस प्लस पी डी मिलता है, और डी एस प्लस पी डी किसके बराबर बेटा पी एस के बराबर है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डन गुड। देखो कंफ्यूजन हो तो कुछ बताइए। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोला गया है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर इसमें से एक जो पॉलिनोमियल बेटा क्या है दूसरे का रेसिप्रोकल है तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी, एक जीरो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल तो इसका मतलब बेटा आप ये ले सकते हैं अगर एक अल्फा है तो दूसरा होगा 1/1 अल्फा होगा, अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें अल्फा इंटू बीटा करके तो किसके बराबर होता है बेटा सी अपॉन में ए के बराबर होता है, सी कितना माइनस का के माइनस टू अपॉन में ए कितना बेटा 6 है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया 1 आ गया, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 6 हो जाएगा ये का माइनस का के प्लस का 2, तो ये का माइनस का के बराबर में आ जाएगा आपका 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, तो दैट मीन्स के शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 4, डन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है फिर कमेंट करके बताएंगे मुझे आप। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया इफ द 3 कॉइंस आर टोस्ट साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल, आप कह रहे हो अगर 3 कॉइंस को आप टोस्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली तो बेटा आपको पता है क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, तीनों में हेड आ सकता है, 2 में हेड और तीसरे वाले में टेल आ सकता है, 1 में हेड फिर टेल फिर हेड आ सकता है, फिर हेड टेल आ सकता है, फिर टेल हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल 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 भी हो सकता है, 8 आउटकम्स आपके पास आएंगे। वो कह रहे ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, तो एक टेल होगा तो इसका मतलब बेटा आपको कौन कौन से होंगे, एक तो योग्य 1 2 ठीक है 3 ओके, और ये भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना हमें जिसमें एक भी टेल नहीं है, ज्यादा ज्यादा एक टेल यानी कि एक टेल हो या नहीं भी हो तब भी चल जाएगा, तो ये होंगे 4/8 इज द आंसर आएगा, इसको 1/2 भी कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन बेटा आपका 4/8 की फॉर्म में दे रखा है, तो ये होगा 15 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो आपको भी ये आ रहा है ओके। अब जैसे कि बेटा क्वेश्चन नंबर जो 16 हमारा है ये है 3rd चैप्टर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें बोला गया 2 इक्वेशंस हमें मेंशन है इस तरीके से
और कॉन्स्टेंट लाइन्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्स्टेंट लाइन्स वो होती हैं जिनमें कॉफिशियंट्स को रेशियो और कॉन्स्टेंट टर्म को रेशियो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी कि हम इसको ऐसे लेते हैं, बेटा 3/6 इक्वल्स टू माइनस में 1/-r इक्वल्स टू 8/16। तो इसका मतलब ये बन गया बेटा 1/ में जो r हमारा हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब r हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो 2 इज आंसर, चेक कीजिए। 16 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। ओके देखिए बेटा, क्वेश्चन 17 में क्या बोलेगा, दो ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर है और हमें गिवन है बेटा एंगल ए इतना है 32 डिग्री, तो इसका मतलब बेटा पी भी 32 डिग्री हो जाएगा। एंगल आर हमें देगा 65 डिग्री, तो इसका मतलब सी भी 65 डिग्री हो जाएगा। अभी निकालना है एंगल बी निकालना है, तो अगर एंगल बी निकालना है तो इसका मतलब बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से इन दोनों के सम को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 32 डिग्री प्लस में 65 डिग्री, तो आपका आंसर कितना देगा, 180 डिग्री माइनस में जाएगा 797 डिग्री। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर कितना आएगा। देखो बेटा 3 और यहाँ पर होगा 78, 83 आ रहा है देखो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना। ओके अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स जीरो एज 4, मतलब रूट्स का जो सम है वो 4 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बेटा एक बात सुनो, मैंने आपको पहले ही बताया था जनरल फॉर्म जो होती है वो ये होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। यानी सम ऑफ जीरो हमें कितना दे रहे हैं बेटा, हमें दे रहे हैं 4 दे रहे हैं। ठीक है, अगर 4 है बेटा तो ये तो नहीं होगा, उसको अगर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं जनरल फॉर्मूले क्या आता है, तो ये होता है आपका एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x + 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा इस फॉर्म से कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाले को देखिए बेटा, तो सेकंड वाला आपको ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज यहां पर क्या अगर हम माइनस को बाहर निकालें तो आपको मिलेगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x - 4 आ रहा है। यहां पर जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लेकर आना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। डन, दैट्स इट। अब बात करते हैं बेटा एसर्शन रीजन क्वेश्चंस की, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, इसमें स्टेटमेंट मेंशन है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बिल्कुल सही बात है, टेंजेंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, स्टेटमेंट ट्रू है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट दोनों थ्योरम्स है, उसका मतलब ये आपका दोनों ही ट्रू है। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ऑप्शन जो हमारा बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 20 देखिए बेटा, द पॉलिनोमियल पी एक्स हमें ऑलरेडी मेंशन है जिसके दो रियल जीरोस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं करते हैं। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिनका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ा हो। ठीक है, चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4 a c होता है। बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस आपने लिखा 4 लिखा, ए की जगह पे 1 आएगा, सी की जगह पे 3 आएगा, तो वह 9 4 12 यानी कि हो गया माइनस का 3 आ रहा है, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो उसका मतलब रियल रूट्स क्या एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये तो फॉल्स है। ठीक है, ये कह रहा है कि क्वाड्रिक पॉलीनोमियल कैन हैव एटमोस्ट 2 रियल जीरोस। ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, एसर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो इसका सही होगा। चेक करो बेटा, यही चीज होती है ना ऑप्शन डी में, देखो एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आई होप आपको बेटा सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर बेटा 4 था। ओके, और पीडीएफ बेटा मैं ऑलरेडी जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूँ सभी क्वेश्चन पेपर्स की, आप जो जाकर के वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप चाहते बेटा एमसीक्यूज के बाद अगर मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जो भी कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट में बताइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।